सपना होता है कि उसका बच्चा एक अच्छा मुकाम हासिल करे और अच्छी शिक्षा भी ग्रहण करे, लेकिन जिस स्कूल में वो पढ़े वहाँ पर उसे संस्कार भी मिले। आज हम आपको एक ऐसे स्कूल में लेकर पहुँचे हैं जिसका इतिहास काफ़ी ज़्यादा पुराना है। इस स्कूल को पानीपत का सबसे पुराना स्कूल भी कहा जा सकता है और एक ऐतिहासिक स्कूल भी कहा जा सकता है। इस वक्त हम मौजूद हैं पानीपत के जीटी रोड पर आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में, जिसका इतिहास काफ़ी ज़्यादा पुराना है। आज हम आपको इसलिए लेकर पहुँचे हैं क्योंकि इस वक्त जब महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो जाता है मिडिल क्लास फैमिली को, क्योंकि उनकी आमदनी इतनी नहीं होती कि वो बच्चों की फ़ीस भर सकें, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन आज जिस हम स्कूल में पहुँचे हैं आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में, स्कूल की खासियत और इस स्कूल में इतनी ज़्यादा सुविधाएं आपको दी जा रही है, अगर मैं आपको टिप्स पर गिनवाऊं तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि क्या पानीपत में एक ऐसा स्कूल है जहां पर इतनी सुविधाएं बच्चों को दी जा रही है। बात करें फीस की तो यहां पर फीस का स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। इसके अलावा यहाँ पर आपके बच्चों के लिए एक बुक बैंक भी खोला गया है, क्योंकि आप अक्सर देखते हैं कि जब बच्चों का एडमिशन आप करवाते हैं तो आप वहाँ पर फीस भी भरते हैं, उसके कुछ ही महीने बाद उन्हें इतनी महंगी महंगी किताबें दिलानी पड़ती है, लेकिन स्कूल की तरफ से आपकी बच्चों को देखते हुए, उनकी बच्चों की शिक्षा को देखते हुए यहाँ पर बुक बैंक खोला गया है। और खासियत यह है कि वहाँ पर बच्चों को फ्री बुक दी जाती है, यानी कि अगर आपका बच्चा स्कूल में आता है तो उसे कोई भी बुक अपनी तरफ से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर आपके बच्चों के लिए एक स्पेशल जो है क्रिकेट ग्राउंड बनाया गया है, एनसीसी है, एनएसएस है, बहुत सी सुविधाएं आपके बच्चों को दी जा रही है। चौथी बात आपको बता दें कि आप अक्सर ऐसे बड़े बड़े स्कूलों में देखते थे कि आप स्कूल की फ़ीस भी भरते थे, हर एक महीने आपको कोई ना कोई चार्जेस ज़रूर देना पड़ता था। यूटी आ रहे हैं, एग्ज़ाम आ रहे हैं, तरह तरह के आपको चार्जेस देने पड़ते थे, लेकिन स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि स्कूल ने बहुत से बच्चों को डॉक्टर बनाया है, बहुत से बच्चों को इंजीनियर बनाया है। आज हम इसलिए पहुँचे हैं ताकि हम यहाँ के प्रिंसिपल हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान सके कि इस बार इस स्कूल में क्या कुछ खासियत है। हमारे साथ आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल मनीष घनघस जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले ये ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि पानीपत का सबसे पुराना और ऐतिहासिक स्कूल है, ये स्कूल 1948 में बना था, तब से लेकर अब तक इसका क्या कुछ जो है इतिहास लोगों को आप बताना चाहेंगे? एक चीज़ मैं आपके दर्शकों को क्लियर कर दूं कि जैसे कि स्कूल का जो नाम है आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, इस नेम से कुछ लोगों को ये भ्रम है कि ये स्कूल जो है वो हिंदी मीडियम स्कूल है, तो ये स्कूल हिंदी मीडियम ना हो के बाकी सब प्राइवेट स्कूलों की तरह जो पानीपत में स्कूल है, हिंदी और इंग्लिश को मीडियम स्कूल है। और पहले ये स्कूल हरियाणा बोर्ड से जो है एफिलिएशन थी इसकी, इस साल हमने इसको CBSE के लिए कन्वर्ट होने के लिए फाइल डाल दी है, इस साल ये स्कूल CBSE में कन्वर्ट हो जाएगा। इस सिटी का ये सबसे पुराना स्कूल है हमारे पास, और 3-3 पीढ़ियाँ यहाँ से लोगों की पढ़कर गई है, और इस स्कूल का इतिहास रहा है कि हमने शिक्षा को हमेशा जो है वो समाज सेवा का जरिया बनाया है। कभी भी इस चीज़ को हमने व्यवसाय नहीं बनने दिया कि साल दो साल के बाद हमने फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। हमेशा लोगों के लिए ये चीज़ हमारे मन में रही है कि जो मीडियम परिवार से बच्चे हैं या मीडियम से नीचे परिवार के बच्चे हैं वो यहाँ से शिक्षा लेके जाएं, ताकि वो समाज में जाके समाज भलाई का काम करें। तो जैसा कि सर ने बताया कि इस स्कूल का नाम भले ही हिंदी में हो, लेकिन यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह से आपके बच्चों को शिक्षा दी जाती है। सर, अगर हम बात करें सबसे पहले कि यहाँ पर आपने भी बताया था हमें कि यहाँ पर पूरा जो स्टाफ है वो चेंज किया गया है, एक नए तरीके से शुरुआत की गई है, उसके बारे में क्या कुछ बताना चाहिए? पिछले कुछ महीनों में हमने स्कूल में बहुत सारे चेंजेस किए, एक एनर्जेटिक टीम हमने नए स्टाफ की यहाँ पर अपॉइंट की है, उसके साथ साथ हमने बहुत सारे चेंजेस किए। जैसे कि आपने अभी बताया कि ये पानीपत का एकमात्र ऐसा स्कूल है जिसका अपना बुक बैंक है,
क्योंकि कोरोना के टाइम में हमने लोगों को खाने के लिए भी तरसते हुए देखा है, और शिक्षा तो बहुत दूर की बात है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हमारे सामने आए जिन्होंने पैसों के अभाव में बच्चों को घर पर बिठा लिया, तो तब यहाँ की मैनेजमेंट ने और जो ये मैनेजमेंट स्कूल चला रही है आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा रोहतक से, वहाँ के प्रधान जी हैं रामपाल आर्य जी, उनके मार्गदर्शन से हमने ये स्टेप उठाया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जो बच्चे शिक्षा से दूर हो गए हैं पैसों की वजह से, उनको दोबारा से शिक्षा से जोड़ा जाए। तो हमने यहाँ पर आचार्य बलदेव जी की समिति में एक बुक बैंक का उद्घाटन किया 1 मार्च को। जो भी बच्चा इस स्कूल में आएगा उसको किसी तरीके का बुक्स का बर्डन, आजकल बुक्स का इतना एक तरीके से बुक माफिया मार्केट में है कि इतने ज़्यादा MRPs बुक्स पे हो जाते हैं कि पेरेंट्स के लिए स्कूल में एडमिशन से ज़्यादा बुक्स का एक्सपेंसेस आ जाते हैं, तो वो चीज़ हमने यहाँ पर ख़त्म कर दी। और स्कूलों के मुकाबले हमने फ़ीस को पहले से भी कम कर दिया है, और एडमिशन चार्ज या जो भी चार्जेस होते हैं उनको ख़त्म करके एक मिनिमल सा हमने एक अमाउंट फिक्स किया जिसमें पूरा साल पेरेंट्स को कोई पैसा नहीं देना और सिर्फ बच्चे को एजुकेशन से यहाँ पर मतलब रहेगा। इसके अलावा एक और खासियत इस विद्यालय की रही है कि ये एकमात्र ऐसा विद्यालय है जिसके पास NSS, NCC और स्काउट्स, ये तीनों चीज़ें हैं। इन तीन चीज़ों में बच्चे जो डिफेंस में जाना चाहते हैं, जो सेना में जाना चाहते हैं, नेवी में, इस चीज़ का बहुत जो है बच्चों को हेल्पफुल रहती है अगर एडमिशन लेने में, और जो सर्टिफिकेट उनसे मिलता है उन सर्टिफिकेट के भी आगे मार्क्स जो हैं वो ऐड होते हैं, तो ये चीज़ हमारे पास है। फिर हमने स्पोर्ट्स का, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा ओलंपिक्स है, बहुत ज़्यादा लोगों को स्पोर्ट्स में फेम मिलता है, पैसा मिलता है, तो पेरेंट्स का क्वेश्चन रहता है जी हमारे बच्चे का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स के लिए क्या करते हो। तो ये स्कूल एक ऐसा स्कूल है पानीपत का जिसकी अपनी क्रिकेट अकेडमी है, आपने देखा है, तो वहाँ पर क्रिकेट अकेडमी में जो बच्चा यहाँ एडमिशन लेता है टोटली फ्री उसको क्रिकेट के लिए हमने वहाँ पर कोच रखा हुआ है। इसके अलावा मलखम, फुटबॉल, कबड्डी, इन खेलों के लिए यहाँ पर हमने कोच को अपॉइंट किया है ताकि जो बच्चा खेल के प्रति समर्पित है उसको वो एक प्लेटफॉर्म हम यहाँ पे प्रोवाइड करें कि वो आगे चल के स्कूल, माँ बाप, शहर का और देश का नाम रोशन करें। सर, सबसे बड़ा पेरेंट्स का सवाल ये रहता है कि फीस कैसी है, क्योंकि अगर हम बात करें, क्योंकि महंगाई है और बच्चों को पढ़ाना काफ़ी महंगा होता है। एक छोटे से नर्सरी LKG बच्चे जो पढ़ते हैं तो उनकी भी 2 से 3 हज़ार रुपये फ़ीस होती है बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में। इस स्कूल में ऐसी फ़ीस को लेकर क्या कुछ यहाँ पर सुविधाएँ रखेंगे, फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ का कैसा है? मैं आपको बता दूं, इस स्कूल की फैसिलिटीज़ को देखते हुए ये स्कूल कोई ऐसा स्कूल नहीं है कि जिसकी योग्यताएं और जिसकी फैसिलिटी बताने की ज़रूरत पड़े। 2 से 3 पीढ़ियां यहाँ पानीपत के लोगों की स्कूल से पढ़ी है, शायद ही कोई ऐसा स्कूल होगा जिसके पास इतनी बड़ी साइंस लैब्स होंगी, खेल का मैदान होगा और नेशनल लेवल तक जिसने साइंस में अवार्ड जीते हों। इसके बावजूद भी यहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊँगा तो इतना मिनिमल सा है कि पेरेंट्स की जेब पे जो नाम मात्र बोझ इसका पड़ता है। हमारे यहाँ पर 8th क्लास तक भी बच्चों को जो है वो 500 रुपये प्रति महीना की फ़ीस में एजुकेशन दी जाती है, और उसके ऊपर भी 800, 850, 900 रुपये, ये हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर है। और ये मेरे ख्याल से अगर आप रोज़ 10 रुपये की चाय भी पीते हैं और 2 बार अगर चाय दिन में पी लेते हैं तो इससे ज़्यादा खर्चा तो आपका चाय का आ जाता होगा। तो इतनी कम फीस में हम इतनी ज़्यादा अच्छी एजुकेशन बच्चों को, अनुभवी स्टाफ और इतनी सारी फैसिलिटी, क्रिकेट अकेडमी, गेम्स, बुक बैंक हम दे रहे हैं, तो इतनी फैसिलिटी आज के टाइम में सिर्फ एक समाज सेवा के तौर पे शिक्षा में दी जा सकती है। अगर आप इसको बिजनेस देखोगे तो फिर बिजनेस तो लॉस में जाएगा। जी बिल्कुल, सर ने हमें बताया कि इतनी कुछ यहाँ पर सुविधाएं हैं कि अगर सुविधाएं आपको गिनवाने लगे तो काफ़ी वक्त आपका बीत जाएगा। सर एक बात ये भी, क्योंकि बच्चे जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो फीस दे देते हैं, उसके बाद पेरेंट्स को ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि उन्हें हर महीने कुछ ना कुछ चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा जब भी उनके एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम फीस के अलावा जब भी फॉर्म भरे जाते हैं उसकी अलग फ़ीस ली जाती है, आई कार्ड बनवाया जाता है उसकी अलग से चार्जेस लिए जाते हैं। वो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि बस उन्हें एक बार इस स्कूल में एडमिशन लेना है, बाकी जिम्मेदारी स्कूल की तरफ से? हाँ जी, मैं आपको बता दूँ, जैसे कुछ जो हैं वो स्कूल जिन्होंने शिक्षा को बिजनेस बना दिया है वो लोग किसी ना किसी बहाने से पेरेंट्स की जेब पे जो है वो वार करते रहते हैं, किसी ना किसी बहाने से पैसे लेते रहते हैं। लेकिन ये एक ऐसा स्कूल है जिसमें एक बार अगर माता पिता अपने बच्चे का एडमिशन करा देते हैं तो उसके बाद पूरे साल किसी भी तरीके का कोई पैसा हम उनसे चार्ज नहीं रहते, सिर्फ महीने दर महीने जो फ़ीस उनकी डिसाइड की गई है वो फ़ीस 500, 600, 700 जो है वो उनको प्रति महीना देनी है। उसके अलावा किसी भी तरीके का कोई पैसा, ना कोई आई कार्ड का, ना किसी यूनिट टेस्ट का, ना मंथली टेस्ट का, कोई पैसा हम उनसे दोबारा नहीं मांगते।
सर, अभी बताया आपने कि यहाँ पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करने तो आते हैं, इसके अलावा यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है। स्पेशल आप लोगों की तरफ से क्रिकेट ग्राउंड बनाया गया है, एनसीसी है, एनएसएस है, स्काउट्स है, बहुत सी यहाँ पर सुविधाएं बच्चों को दी जा रही है। कई पेरेंट्स के मन में ये रहता है कि उसके लिए स्पेशल अलग से चार्जेस लिए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बच्चों को सब कुछ सिखाया जाएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप शहर में पता करें जो दूसरी क्रिकेट अकेडमीज़ हैं, अगर वहाँ पे आप अपने बच्चे को एडमिट कराने जाते हैं तो साल का 25,000 से 30,000 रुपये क्रिकेट अकेडमी चार्ज करती है, और इस स्कूल की अपनी फ्री क्रिकेट अकेडमी है। यहाँ 500 से 700 रुपये फीस दे के आप फ्री में क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, और जितनी भी ये फैसिलिटीज़ एनएसएस, एनसीसी, स्काउट जो हम दे रहे हैं, इसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज किसी बच्चे से हम बिल्कुल नहीं लेते। इवन स्कॉलरशिप और छात्रवृत्ति, जो बच्चे गरीब हैं या जो विडो फैमिली से हैं या जिनके मदर नहीं है या फादरलेस बच्चे हैं, किसी भी तरीके का अगर कोई पारिवारिक संकट किसी बच्चे पे है तो उसके लिए भी हमारी मैनेजमेंट हमेशा तैयार रहती है। उसकी फ़ीस स्कूल वहन करता है, उसकी हम फीस बिल्कुल माफ़ कर देते हैं। और जो बच्चे योग्यता के तौर पे मेरिट लेके आते हैं या किसी और फील्ड में, खेल में कोई स्थान उनका डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में आता है, तो उसको भी हम यहाँ पर स्कूल से ही स्कॉलरशिप दिलवाते हैं। एक चीज़ और जो इस विद्यालय में हमने इस बार न्यू की है, जैसा हम देखते हैं कि हम 12वीं तक तो बच्चों को स्कूली शिक्षा इतने कम जो है वो पैसों में या इतनी कम फीस में हम प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन जो बच्चे मीडियम परिवारों से होते हैं, जिनका आगे का सपना बहुत बड़ा होता है, उनको IIT, JEE, NEET और NDA जैसे एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बहुत महंगे महंगे इंस्टीट्यूशनों पर कोचिंग फ़ीस देनी होती है, उसको कम करने के लिए भी इस साल इस स्कूल ने ये डिसाइड किया है कि क्यों ना महीने में हम 2 बार जो टीचर्स एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, उनका सेमिनार हम स्कूल्स में लगवाएं, और उन बच्चों को जो ऐसी इच्छा रखते हैं इन टेस्टों को क्लियर करने की, उनको फ्री में ही हम स्कूल में कोचिंग दिलवाएं, ताकि वो जो है पैसों के अभाव में कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर या कोई ऑफिसर बनने से ना रह जाए। जो बच्चे अभी अभी किसी और स्कूल से पास आउट हुए हैं या इस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं, और कब से ये जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, एडमिशन शुरू हो चुकी है? हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो है वो 1 जनवरी से शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो NSS, NCC और स्काउट्स हैं, इनकी सीट्स बड़ी लिमिटेड होती हैं, तो बच्चे अभी भी एडमिशन चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं एडमिशन लेने के लिए। बड़ा सिंपल सा हमने एडमिशन का प्रोसेस रखा है, एक प्रोस्पेक्टस हमने रखा है, जो जनरली प्राइवेट स्कूलों में 500-500 हज़ार रुपये का प्रोस्पेक्टस है, उसको हमने यहाँ पर 150 रुपये में एक प्रोस्पेक्टस बनाया है, जिसमें आपको सिंपल से डॉक्यूमेंट्स फिल करने के बाद 1 महीने की फ़ीस दे के आप एडमिशन ले सकते हैं। कोई हिडन एक्स्ट्रा चार्ज हमने नहीं लिया, मिनिमल सा एडमिशन चार्ज हम उसमें रखते हैं, जिसमें आपका जो है खर्चा सिर्फ इस चीज़ का जो एग्ज़ाम फीस वगैरह है वो हमने मिनिमल सा रखा है, ताकि बच्चों को फिर बार बार पेरेंट्स को हम परेशान ना करें और बाद में कोई उनके ऊपर बोझ भी ना पड़े इस चीज़ का। यानी हम ये कह सकते हैं कि बस एक बार इस स्कूल में आकर एडमिशन ले लें, बाकी बच्चे की जिम्मेदारी आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की। बिल्कुल मैम। तो ये हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल थे, जिन्होंने इतना कुछ बताया। तो अगर आप भी एक ऐसे स्कूल की तलाश कर रहे थे जहां पर आपके बच्चों की फ़ीस बहुत कम हो, कोई चार्जेस नहीं हो, साथ ही ऐसे स्कूल में आपका बच्चा पढ़े जहां पर शिक्षा के साथ साथ उसे संस्कार के साथ साथ उसे अलग अलग एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करवाया जाए, तो ये स्कूल आपके बच्चों के लिए बेहद ख़ास, बहुत अच्छा रहने वाला है, जहाँ का स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ के प्रिंसिपल भी काफ़ी अच्छे हैं। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का ऐसे स्कूल में एडमिशन करवाना, तो आप भी करवा सकते हैं पानीपत के GT रोड पर, पानीपत का सबसे पुराना और ऐतिहासिक स्कूल आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मेरे सहयोगी प्रदीप पांचाल के साथ मैं सोनम, वॉइस ऑफ पानीपत।